प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए हर राम भक्त उत्सुक है। वह किसी भी तरह अयोध्या पहुंचकर इस सुंदर पल को आंखों में बसा लेना चाहता है। ऐसी ही एक मुस्लिम राम भक्त है 20 वर्षीय शबनम शेख, जो 40 दिन की पैदल यात्रा के बाद मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची हैं। चेहरे पर हिजाब और जुबान पर जय श्री राम के नारे के साथ शबनम अयोध्या पहुँच चुकी है। शबनम शेख का मुंबई से लेकर अयोध्या तक राम भक्तों ने जोरदार स्वागत भी किया है। अयोध्या पहुंची शबनम शेख का साधु संतों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। मुंबई की रहने वाली शबनम बीते 21 दिसंबर को मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली थी। शबनम ने इस दौरान 1425 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन राम की धुन में उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखती। शबनम शेख को अपने मुस्लिम होने पर गर्व है और कहती है कि राम की पूजा या उन्हें मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 दिन की तपस्या मेरी पूरी हुई, प्रभु राम की नगरी में आकर मेरी ये यात्रा समाप्त हुई। पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 40 दिन और मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी 21 दिसंबर 2023 को और आज मुझे लगभग 40 दिन हो चुके हैं और मैं अपने आप को भारतीय सनातनी मुसलमान की हूँ और आज मैं अयोध्या नगरी में हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे सनातनी भाई जुड़ रहे हैं, निकली अकेली थी और बहुत महान पुरुषों भी हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत सारे सर संत जी हैं यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने स्वागत किया है राम जी का। हमारे बहुत ही देव हैं मुझे बहुत ही प्यारी तस्वीर दी है, ऐसा लग रहा है कि राम जी अभी बोल पड़ेंगे, इतना खूबसूरत लग रहा है। और उन्होंने बुके देकर हमारा स्वागत किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपने हाथों से फल खिलाया है, एनर्जी आ गई बॉडी में।